केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो के मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी को गिरफ्तार किया है। अरुण रेड्डी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया सेल के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और इस मामले में पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। वो आप सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। अब फेक वीडियो बनाओगे और केस होगा, फिर कहोगे कि एजेंसियां छोड़नी है। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली से कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल के नेशनल कोऑर्डिनेटर अरुण रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अरुण का स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम से अकाउंट चल रहा था और उसने भी फेक वीडियो बनाकर वायरल किया। इसके बाद उसने मोबाइल से सबूत नष्ट करने की कोशिश भी की। पुलिस ने उसका फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। हालांकि इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ भी आ गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अमित शाह का फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है। लेकिन इस बीच खबर है कि आज कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी को दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और इस पूरे केस में अरुण की भूमिका बताएगी, जिसके बाद अदालत से अरुण को रिमांड में लेने की कोशिश करेगी। वहीं इस मामले में बयानबाजी भी जारी है। महबूबाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी बलराम नाइक ने बीजेपी को ही फेक वीडियो का जिम्मेदार ठहरा दिया है। चुनावी सरगर्मियों के बीच ग्वालियर में सियासी पारा हाई है। क्यों? क्योंकि इमरती देवी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सियासी पारा चढ़ गया है। हाथों में चूड़ियां, सिर पर काली पट्टी लेकर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता इमरती देवी को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ डबरा थाने में SC ST एक्ट में केस दर्ज हो गया है। अपमान कर दो, माफी मांग लो, भ्रष्टाचार कर दो, माफी मांग लो, तो क्या यही आपकी परिपाटी है? और अगर यही परिपाटी है, जनता के बीच आके पटवारी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। प्रदर्शन के दौरान जीतू पटवारी के जिस पोस्टर को फाड़ा गया, उसको लेकर भी बवाल हुआ। उस होर्डिंग में बजरंगबली की तस्वीर छपी थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। विवाद बढ़ने के बाद जीतू पटवारी ने सफाई दी और कहा कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। चुनावी सरगर्मी के बीच नेता अक्सर विवादित बयान दे बैठते हैं और विवाद बढ़ने पर खेद भी जता देते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान से सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर स्मृति ईरानी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। राहुल गांधी पर उन्होंने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि झूठ का नाम राहुल गांधी है, उन्होंने वायनाड के लोगों से झूठ बोला है। तो स्मृति ईरानी ने अमेठी से जिस तरीके से उन्होंने अपना संसदीय क्षेत्र बदला है, उसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। आप कहां देखती हैं धोखा? किसके साथ देखती हैं, रायबरेली के साथ या वायनाड? दोनों के साथ, और धोखे का नाम ही राहुल गांधी है। मेरे मानना है कि आज न सिर्फ राहुल गांधी की हार और कांग्रेस पार्टी की विशेष शिकस्त का आज दर्शन आपको हुआ है, वायनाड में कितना झूठ बोला है इन्होंने वो भी आज एक्सपोज हुआ है। मेरा मानना है कि अगर वो वाकई में लड़ना चाह रहे थे तो उन्हें वायनाड में वोटिंग से पहले ही जनता को कह देना चाहिए था कि मैं 2 सीटों से लड़ने वाला हूँ। वायनाड की जनता से छुपाने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।